Now I'd like to call back on stage Mr. Sunil Lulla, director, producer, actor, fantastic physique, wonderful human being, Mr. Sohail Khan. मैं आपका ज्यादा फुटेज नहीं लूंगा, मैं सलमान भाई को अंदर बुला लेता हूं। कैन वी हैव सलमान भाई ऑन स्टेज प्लीज। एंड वेलकम टू जय हो का ट्रेलर। आपके रिएक्शन से तो लग रहा है कि आप लोगों को ये ट्रेलर काफी पसंद आया। जिन जिन को नहीं पसंद है बाहर जाओ। अच्छा, ऊपर भी सब फैंस हैं या जर्नलिस्ट भी? सब मिक्स्ड है सर, मिक्स्ड है। स्टोरी बिहाइंड इट इज माय फादर वेयर्स इट, और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने इनके फादर मेरे अपने फादर के हाथ से यूं निकाल लिया, इसका जेरोक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सोहेल का ये आइडिया था कि वी वेयरिंग दिस इन द फिल्म, तो इंट्रोडक्शन इसको यू करके कर ही देते हैं। तो आई थॉट अच्छा आइडिया है, और ये नहीं कि ये पहली बार किया है, ये पहले भी किया है हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ क्वालिटी इसके अंदर दिखाई देती है कि हाँ भाई, क्योंकि हम मेंटल हैं, हमने चेंज कर दिया। हमको मेंटल टाइटल पसंद नहीं आया, तो हमने बोला कि एक अच्छा टाइटल रखते हैं। मेंटल वर्किंग टाइटल था, तो सुन लो अगर जानना है, अपने आप को एजुकेट करना है जय हो पर, कि मेंटल से जय हो कैसा टाइटल हुआ है, तो फिर सुनना जरूरी है। क्यों, मैं कुछ बोलूंगा, कोई और कुछ सुनेगा, फिर वो आपको बाद में समझाएगा, गलत समझाएगा, तो मेरे मुंह से ही समझ लो। ऐसा हुआ कि मेंटल एक वर्किंग टाइटल था। अब एक रहे इंटेलिजेंट खान, एक रहे बादशाह खान, एक रहे सैफ अली खान, काय को आपको, आप में से कुछ एक आदि ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो कि शायद मेंटल खान बुलाएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी खान हैं वो सब अपसेट हो जाएंगे। स्पेशली मेरे फादर। अब फादर की बात सुनना चाहिए, चाहे आप की एज कुछ भी हो, आप खुद फादर बनने के की एज पर हो, लेकिन फादर की बात, हमारे फादर को इस टाइटल से थोड़ा सा एतराज़ था, तो हमने बोला कि अगर फादर को एतराज़ है इस टाइटल से, तो फादर की बात हमको मान लेनी चाहिए और हमको इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर लेना चाहिए। इत्तफाकन ये जो टाइटल आया हमारे दिमाग में, हमारे फादर के दिमाग में, वो मेंटल से बहुत ही अच्छा टाइटल था, जय हो। नहीं, करेक्ट बात है, ये बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। इन्हीं, अगर ये नहीं होते तो आप लोग भी यहाँ नहीं होते। ये जो प्रोमो किसके लिए बनाते हैं? चंदन थिएटर के लिए तो नहीं बनाते ना? चंदन थिएटर में लोग आएंगे, उनके लिए बनाएंगे ये प्रोमो। दिखता है वो दिखेगा भी। फैंस कभी कभी जो हद क्रॉस कर जाते हैं ना, जो हद क्रॉस कर जाते हैं ना कोई फैंस के पर्सनल लाइफ के अंदर दाखला या कोई बदतमीजी करना, जो कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, जो मेरे पर्सनल गाइडलाइंस के बहुत ही दूर है, वो उनको कभी कभी चमाट मारना पड़ता है। प्यार से उनको देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये मत करो। और कभी कभी बहुत सारे फैंस कैरिड हुए हो जाते हैं और मैं उनको फिर फैंस नहीं मानता।
ये हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को और हमारे भाई को लेके घूमते हैं एज अ लकी मैस्कॉट, हुआ हमारे घर के चौधरी हो गए हैं, क्योंकि ये दो ब्लॉकबस्टर धनाधन धनाधन इन्होंने दिया एक के बाद एक। तो सोहेल और मैंने डिसाइड कर लिया कि फॉर मैन लक, लेडी लक तो बोल नहीं सकते इनको, इनको साथ में रखो कि शायद इनका ये दबंग का लक हम पे रब ऑफ हो जाए इसमें भी। जब से मैंने आमिर की टोपी पहनना शुरू की है, ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। धूम का तो मुझे पता ही है, लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी। सुनो 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 भाई, मेरी बात सुनो। आंटी आंटी एक नया सवाल लेकर आई है, इधर तालियां तो मार, का चेहरा भी याद रख लो। तो आंटी जी अनो एक सवाल लेकर आई है। तो आंटी जी अंकल से ही, सलमान अंकल से बस यही जानना चाहती है कि क्या वो शादी के लिए तैयार कभी हो सकते। काम करो भाई, जवाब मैंने आपको रिएक्शन दिया है, अब वो आप इसमें कितने इंटर डालना चाहें वो आप डाल सकते हो, कितने मायने डालना चाहें आप डाल सकते हो, कितने वॉइस ओवर चाहें, कितनी पिक्चरों की कटिंग डाल वो आप डालते हो।